नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे के जेरोन रोड स्थित बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ 6 लोगों ने की जमकर मारपीट। फोन लगाकर बुलाया था युवक ने बिजली कर्मचारी को अपने घर, बीच बचाव में आउटसोर्स कर्मचारी के साथ भी की मारपीट। बिजली कर्मचारी एकत्रित होकर पहुंचे पृथ्वीपुर थाना, पुलिस से मामला दर्ज करने की कही बात। दरअसल महेश गोयल पृथ्वीपुर कस्बे के करगुवा वार्ड में बकाया राशि वसूली का कार्य कर रहा था। इसी दौरान अंशु साहू ने फोन लगाकर बुलाया और बिजली का बिल समझने के लिए कहा। जब महेश गोयल अंशु साहू के घर पहुंचा और इसी दौरान पीड़ित के साथ 6 लोगों ने मारपीट कर दी। जब बीच बचाव करने विद्युत विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी आया तो उसके साथ भी की मारपीट। पीड़ित ने मार ने बुलाया अंशु साहू ने और जयप्रकाश साहू ने हमारे साथ मारपीट की है। किस कारण से मारपीट? साहब ने पहले कुड़की की होगी, हम उस बीट पे नहीं है, बीट पे है दूसरे मिस्त्री। अच्छा। हम इनके सामने रहते हैं, इनके हमें बिल के बारे में समझना है। हम जैसे गाड़ी पे रोकी, इन्हें टूट गया रोड पटकला, बाप माता इन तीनों ने बहुत मारा और दो तीन लोग और थे, उन्हें हम समझ नहीं पाए, इन्हें पटक लिया सो। अच्छा, कितने लोग थे? 6 लोग थे सर, 6-7 लोग। बुला के आपके साथ मार? हाँ, अभी मेरे मैडम को धमकी दे रहा है कमरे पे जाके। अच्छा, मारने हम ड्यूटी में गए, उनको रोको रिपोर्ट नहीं करें, उनके बच्चे ने भेजा घर पे एक लड़का। क्या घटना हुई? ये आज नगर में डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जा रही थी, तो जो महेश गोयल की टीम थी वो करगुवा में डिस्कनेक्शन कर रहा था, तो जो आरोपी है जिन जिनके साथ मारपीट की है उनने फोन से जो है षड्यंत्र पूर्वक इसे बुलाया कि तुम यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो वो जो आरोपी है वो इसके घर पे जाकर के जो है इनके मिसेज के साथ बदतमीजी से मतलब वो पेश आया है और उनके साथ घर पे गाली गलौज किया है। फिर इनको बुलाया गया और इनके साथ मारपीट की गई है और बीच बचाव में जो उमेश विश्वकर्मा है जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसे भी मतलब झुमाझट के साथ उनके साथ भी हुआ है। शिकायत करी गई है? हाँ, थाने में मैं अभी FIR के लिए आया हूँ और यहाँ पे मैं अभी FIR करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।